अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप लोग अपने वर्डप्रेस के अंदर कस्टम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी कोड हो सकता है, आप उसकी फंक्शनैलिटी अपने वर्डप्रेस के किसी भी पेज पे शो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता किस तरह से करेंगे। आप लोगों के पास कोड है लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से उसको शो करवाएंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को यही दिखाने और सिखाने वाला हूँ। चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। सिंपल हम लोगों ने प्लगइन्स के अंदर जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल हमने लिखना है WP कोडर। इस नाम से एक प्लगइन है हमारे पास, इसको सिंपल हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल इसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद ऑब्वियसली मुझे एक डेमो कोड चाहिए जिसको मैं आप लोगों को परफॉर्म करके देख सकूँ। आपका कोड कोई भी हो सकता है, तो मैं इसकी हेल्प लूँगा ChatGPT की और मैं इसको कहता हूँ कि सिंपल गिव मी अ कोड फॉर डेली वाटर इनटेक कैलकुलेटर, गिव मी HTML, CSS एंड JS सेपरेटली। ओके, मैं इसे एक छोटा सा कोड इस तरह से करवा लेता हूँ जस्ट फॉर द डेमो पर्पस, ताकि आप लोगों को जस्ट इसको यूज़ करके दिखा सकूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है HTML लिखी जा चुकी है, इसको मैं सिंपल कॉपी करूँगा और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो है प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। सिंपल यहाँ पे आना है आप लोगों ने WP कोडर पे और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आप लोगों को डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं। तो सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, HTML अपने पहले कोड के अंदर डाल देनी है। यहाँ पे जितनी भी आपकी HTML होगी, आपके कोड की जो कुछ भी होगा HTML से रेलिवेंट, वो आप जो है HTML वाले टैब में डाल देंगे। उसके बाद मैंने CSS कॉपी करके CSS वाले कोड के अंदर डाल दूंगा। यहाँ पे ये ऑप्शन है, इनको आप इनलाइन और मिनीफाइड भी कर सकते हैं। मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपल स्ट्रेट रहने दूंगा। और एंड पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ गई और सिंपल इस तरह से मैं यहाँ पे JS कोड के अंदर ये JS कोड ऐड कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एक्चुअली नेम दे देता हूँ, डेली वाटर इनटेक कैलकुलेटर। ओके, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, सेव। और यहाँ पे देखें हमारे पास एक कोड आ गया। तो सिंपल इस कोड को जहाँ पे भी आप पेस्ट करेंगे, इस कोड की, इस सारे कोड की जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी वो वहाँ पे जो है वो रन होगी, और आप लोग इस कोड को जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वो रन होगी। तो मैं आपको जल्दी से इसको डेमो दिखा देता हूँ शॉर्टली। तो यहाँ पे हम क्या आते हैं, एक पेज के ऊपर आते हैं। एक पेज पे आने के बाद एक नया पेज क्रिएट करते हैं और वहाँ पे इस कोड को क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज कैलकुलेटर और यहाँ पे मैं वो शॉर्ट कोड ऐड कर देता हूँ। सिंपल मैं इसको पब्लिश करूँगा। पब्लिश करने के बाद मैं इस पेज को ज़रा देखता हूँ कि ये वाले कोड से जो हमने यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी ऐड की थी वो क्या इस पेज पे शो हो रही है या नहीं हो रही। तो हम देखते हैं ज़रा। अच्छा, द थीम डायरेक्टरी डजंट एग्जिस्ट, तो मेरे ख्याल से मैं थीम एक्टिवेट करना भूल गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस थीम को एक्टिवेट कर दूँगा सिंपल। तो आपके केस में थीम जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेट होगा ही। तो अब देखें यहाँ पे, तो मेरा वो जो कैलकुलेटर है, देखें यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं वेट एंटर करूँगा, लेट्स सपोज मेरा वेट 80 kg है, तो मैं सिंपल कैलकुलेट करूँगा। और यहाँ पे देखें ये मुझे बता रहा है कि योर डेली वाटर इनटेक इज दिस वन। तो यहाँ पे देखें हमारा जो कोड था वो इस तरह से वर्क कर रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस प्लगइन को यूज़ करते हुए किसी भी तरह का आपका HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो और उसको अपनी वेबसाइट में कहीं पे भी जाके उसको रन करवा सकते हो और उसको कम्प्लीटली सही तरीके से शो करवा सकते हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं वर्डप्रेस सीखना बिल्कुल बेसिक से एडवांस और प्रीवियस, कोई नॉलेज नहीं है आपके पास या आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट A to Z 8 आवर की अपने चैनल के ऊपर ऐड की हुई है। आप वहाँ से जाके पूरा वर्डप्रेस सीख सकते हैं बेसिक, स्टेप बाय स्टेप, किसी तरह का प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। इसके साथ साथ ही फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने ऐड की हुई है, उनको जाके देख के आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरह। तो स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मुझे फॉलो कर लें,
ताकि आप लोग, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।